अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है गाइस। आज ये हमारी चौथी सहरी, और चौथी सहरी का ये मकसद है कि जी हमारी दूसरी सहरी से दूसरे रोज़े वाला भी ब्लॉग अपलोड नहीं हुआ, और तीसरे रोज़े वाला हमारा ब्लॉग बना ही नहीं। दैट्स रीज़न कि मेरी हुई जी कल तबीयत ख़राब। ठीक है, मुझे लगा जी जुकाम, मुझे मेरा हुआ जी गला ख़राब, तीसरे नंबर पे मेरा हुआ जी पेट ख़राब, जिसकी नस्बत मुझे पड़ी रही सारा दिन सुस्ती। आपका भाई सोया रहा ना, व्लॉग कल वाला भी अपलोड सेकेंड रोज़ वाला अपलोड हुआ, और ना तीसरे कल वाले व्लॉग का वो भी नहीं बना। ये रीज़न था जिसकी नस्बत वही जो है ना, जो है तीसरा रोज़ा वो वाला व्लॉग बने ही नहीं, कट हो गया। ठीक है ना, और रही बात दूसरी, ये चौथे रोज़ ये जो दूसरे रोज़े का मैंने व्लॉग बनाया हुआ था ना, वो मैं लगा दूँगा सुबह 10 बजे। अब क्या जो चौथे रोज़े का ना, वो भी मैं फिर आगे ऐसे कंटिन्यू कर दूँगा 10 बजे से। ठीक है ना, कि जी रोज़ा ख़त्म होना है जी, सहरी मुकम्मल होनी है 4:45 पे। टाइम क्या हुआ है, 4:15 4:15 टाइम हो गया, आज हम लेट हो गए हैं, कोई उठा ही नहीं। मतलब कि मैं तो पहले मतलब सोता ही नहीं था, होता बस अब सो जा तो मुझे पता नहीं क्या, मेरे ना एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा लो हो रहा है। अभी सहरी आती है, ठीक है, तो हम फिर से मिलते हैं आपको। ओके, आ जाइए गाइस, देख लो हमारे पास आ जाए चाय और आ जाइए पराठा। दैट्स रीज़न कि मैंने भाई साहब जी कल खाई थी पालक, जिसकी नस्बत वही मेरा हो चुका जी पेट ख़राब। ठीक है ना, और चलो यार अपनी सारी ख़त्म करें, टाइम वैसे बहुत ज़्यादा थोड़ा रह गया। चलो, 8 hours later। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, रमकार रमजानी। अच्छा, मेरी भी बहनों, सिर्फ रमज़ान की। मरना तेरे को डर नहीं लगता यार? आज है जी गाइस जुम्मा, रमज़ान का पहला जुम्मा, और इस जुमे के अंदर भाई साहब जी कहते हैं कि जी नहा धो के नवे कपड़े पा के खुशबू लगा कर जाना होता है, तो हम बस जाके रेडी हो, कपड़े डालते हैं, खुशबू लगाते हैं, और फिर हम निकलते हैं जुमे के लिए। सही है गाइस। अच्छा, तो यार गाइस हम हो चुके हैं जी रेडी, नहा धो कर फ्रेश हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ज़रा चुटारो। चलो यार गाइस, अभी बस हम जा रहे हैं जुमा पढ़ने के लिए, और जाकर हम जुमा पढ़ें। और वैसे आपको मेरी तरफ़ से भी जुमा मुबारक, रमज़ान का पहला जुमा। इस जुमे में भाई साहब जी नहाँ धोइया करके नए कपड़े शपड़े पा के जुमा पढ़ने जाती हैं, सो लेट्स गो, जाके जुमा पढ़ते हैं। चलो, तो यार गाइस हम जा रहे हैं मोटर बंद करने, मोटर बंद करके, ठीक है, हम ज़रा बीदर वाली साइड पर जाएंगे। हम सिर्फ ज़रा मोबाइल चेक करने के लिए आए हुए हैं भाई का, और हमने चेक कर लिया। ठीक है, ए मिनट, वो धुप में जाके चेक करते हैं, धुप में कैसा आता है, क्योंकि धुप में जो उनसे है ना, इसकी कलरिंग बहुत अच्छी हो जाती है, ग्रैसिंग हो जाती है, ना इट्सिटिंग हो जाती है, ये लोग धुप में कैसा हूँ, ब्रांडेड लग रहा हूँ ना, गहरा लग रहा हूँ यार। मैं 12 लेने की सोच रहा हूँ, मैंने 11 लेना। ठीक है ना, चलो वापस, बहुत हो गया भाई साहब जी, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, कितने के दिन आ, कितने के दिन आ, दिखता दिखता ना। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान भाई, दिल चेक करो, बच्चे ने दिल भी बनाया हुआ है, इसको इधर रख देते हैं, हम जाके जुमा पढ़ते हैं, इसको इधर ही रहने देते हैं। चलो यार जुमा पढ़ने चले। हम जुमा पढ़ के आ चुके हैं जी वापस घर, और जो हमने उधर गुड्डा देखा था पहले ना, मैं ना भाई के मोबाइल पे ना, भाई ने ना मोबाइल लिया, मैं कहा चलो 0 पॉइंट पे चेक करके देखते हैं कौन क्या सीन होता है, मैं इसीलिए बाहर आया था, और ये नहीं था पता कि बाहर हमें खुशखबरी मिलेगी इतनी हैवी, मज़ा आ जाएगा। आयो भाई चेक करें गुड्डा, वाह जी वाह,
क्या बात है गुड्डे की, तो क्या ही बात है, सुभान अल्लाह। चेक करो भाई साहब जी गुड्डा, मैं कहता हूँ उसने ऊपर दिल भी बनाया हुआ है। हाय 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 हाय। अच्छा नहीं वो देखो ये ना मेरे से टूटा उसका गुड्डा। ओए मेरा गुड्डा देख, दिल करने लपड़ा गुड्डा डालने का। वाह जी वाह। ओए ये क्या हुआ, 4-5 दिन के अंदर ही निकल आई है, क्या बात है जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह से। चलो यार इसको हम इसके ऊपर ही अटका देते हैं, नहीं हम इसको अंदर ले जाते। चलो यार चलें। तो यार गाइस अभी ना मैं बस मैं जा रहा हूँ तो दूध लेने के लिए घर। पहले मैं भाई को ज़रा थोड़ा सा वार्न कर दूँ कि भाई साहब जी मैंने अपना मोबाइल सीलिंग पे लगा दिया और ज़रा मुझे ज़रा समझाओ। यार आदिल भाई मेरी सुनो बात, आप जी वो ना आईफोन का जो है ना वो सिस्टम मुझे ज़रा पता कर दें, आईफोन का 12 का। आई नीड धुप च जान तू नहीं, मैं फिर भी बोल रहा हूँ भैया यार, मैं तुहानू आख्या भी 12 मिनी का पता कर दो बेटा, रोजा लग रहा तेन जाने, मेरा सिर खान आ गया यार, रोजा लग रहा तेन 12 के झोंके पै रहे हैं। लै मैं रमजान के एंड तो मैं ले लैना फिर किडे नहीं यार, फिर भी हद भाई पता करके देना जरा तुम मैं आख्या बकाया यार, मैं बस अब मैंने खुद वैसे भी मैंने मोबाइल चेंज करना था। 11 ले लें, 11 यार नहीं XR नहीं लेना यार, मैंने लेना है 0.5 कैमरा, दरअसल बात ये है। तो ये जो आपके पास 0.5 ही है, चलो यार कोई नहीं, सोचा जाता है 11 पे भी भाई अगर बोल रहे हैं 50 तक का वो बिल है, और ऊपर 5000 और डालो तो 12 मिनी आ जाना है। लो जी भाई डब्बा भी आ चुका है जी हमारा, पीछे हो जाओ भाई, चलो यार डब्बा लेके चलें और हम जाके दूध लेके आए, वैसे भी आपके भाई को रोज़ा लग रहा है, आए भूख लग रही है यार, मेरे को प्यास नहीं लग रही, मेरे को भूख लग रही है, आपको पता है यार मैं फूडी हूँ, मुझसे रहा नहीं जाता, फिर भी आपका भाई रोज़ा बाहर है। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक सब्र देने वाला है, चलो जाके दूध लेके आऊँ फिर आपसे मिलते हैं। A few moments later. चलो यार गाइस अभी जा रहे हैं बस नमाज पढ़ने के लिए, असर की जान आ चुकी है, स्वेट्स को। अच्छा तो यार गाइस हम नमाज पढ़ के आ चुके हैं और यहाँ पर हमारा भाई बन रही है ये अफ्तारी का सामान, जैसे कि आपको पता है ये समोसी मैं इनको बताया गया था, फिर भी इनसे शेप नहीं सही बनती, मैं क्या कर सकता हूँ इनका, क्या ये पिठ भी मैंने इनको बताई थी बट इनसे नहीं भी सही बनती, मैं जी जी अपना काम करो जाकर। अच्छा यार गाइस जैसे कि हमको धुतका दिया गया है, देखा कमजोरियाँ देख रहे हो, ये देखो मामा जी ये देख लो, सुट दी जी बेटा तू तो गई अच, या तो गया बाबूड़ा गणपत रहा वो आपका गया। चलो यार गाइस अभी मैं जो नमाज पढ़ के मार चुके हैं, अभी जो बकाया जो बाहर से सामान लेके आना वो लेकर आए हैं, और पीछे रहा भी 1 घंटा गया अफ्तारी में, कुछ नहीं अफ्तारी में 1 घंटा रह गया, सो लेट्स गो, इन्हें तो चलाओ, सो मैं एडी मेहनत के नाल चीज़ा लाना वा, पता नहीं क्यों नहीं चलाते, चलाओ यार इनको क्यों नहीं चलाते, ठीक है ना। चलो यार बस सर को जाकर बाहर से सामान है वो लेकर आए, थक गया हूँ यार। चलो पनीर बना लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ये 5-6 ये पकड़ लेते हैं, नहीं यार इनको ठीक है, और 2-5-6 जितने हाथ में आते हैं उनको पकड़ के रख लेते हैं, ठीक है ना। बकाया जलेबी रहने देते हैं, हम खजूर पकड़ लेते हैं इधर रख लेते हैं, और भाई साहब जी हो चुकी जी हमारी प्लेट तैयार, बस हूँ अफ्तारी का बस वेट हो रहा।
अच्छा तो यार गाइस आज के लिए इतना ही यार, लाइक सब्सक्राइब शेयर मत कर देना। आज ये हमारा फोर्थ रोज़ा यार, फोर्थ अफ्तारी, फोर्थ रोज़ा ठीक है ना। देन जो तीसरा रोज़ा था भाई, वो तो आपको मैंने बताया था मेरी तबीयत ख़राब थी और अभी भी जुकाम लगा हुआ है। देन मैं वो बहुत ज़्यादा मतलब के थोड़ा सा डाउन हुआ पड़ा था, वह मैंने रोज़ा रखा था बट व्लॉग मैंने बनाया था भैया, मुझे आइडिया था हुआ थोड़ा सा, मैंने थोड़े से छोड़ लिए थे, फिर उसके बाद मैंने व्लॉग कंटिन्यू तक किया बगाया। अभी तो अपने भाई को इजाज़त, लाइक सब्सक्राइब शेयर मस्त कर देना, सो मिलेगा एक और न्यू व्लॉग के साथ, दुआ में याद रखना, तब तक के लिए।